कम से कम 9 साल हो गए। और 9 साल के एडवांस का संदेश मिल रहा है, 9 साल से संघर्ष भी हो रहा है बी केस और पीवी केस में। जो संघर्ष होता है उसमें ढेर सारे प्रश्न भी क्रिएट होते हैं, भले बाबा की वाणी से प्रश्नों का समाधान मिलता रहता है, लेकिन कोई कोई पर्सनल प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब हम फिर भी नहीं दे पाते। तो भी 9 साल में तो बहुत बातें इकट्ठी हो गई होंगी। जिसकी आत्मा है वो सब बात आती है, 2-3 साल के अंदर की आत्मा जाता है। दो साल के अंदर की आत्मा, तो 2 साल के अंदर जो निकली है उनसे भी युद्ध हो रहा है। तो बातों को समाधान कर लेना चाहिए, करारा जवाब देने से फिर कोई मुकाबला नहीं करता है। बाण जब घायल कर देता है ना, तो जो ज्यादा घायल हो जाता है उसमें ताकत नहीं रहती। तो राम के बाण है, तो
जो जो बातें सामने आती है उनका एक्यूरेट जवाब बुद्धि में होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जो मुसलमान धर्म की आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं, नौकरी के ब्राह्मण होते हैं ना, तो मुसलमान धर्म की जो आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं, वो मुसलमान धर्म की ही शूटिंग करेंगी। मुसलमान क्या करते हैं? मस्जिद में जाके कान बंद करते हैं और अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं जोर, तो ये शूटिंग हो रही है। ज्ञान में चलते चलते जी बाबा से विमुख क्यों हो जाते हैं बाबा? पाप कर्म कर लेते हैं तो हो जाते हैं। वो शुभम करके बैठ जाते हैं, खुद तो मुरली चलाने लगते हैं, और बताते हैं वो क्या है, वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। उल्टे ज्यादा पाप कर्म हो जाते हैं क्या? उल्टे हो जाते हैं तो वो नीचे हो जाता है, टांग ऊपर हो जाती है। प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में से ही बी एम ए के बच्चे निकलेंगे। गली गली में गीता पाठशाला होगी, गीता पाठशाला ये गली गली में होगी, तो आप लोगों को एक घर से दूसरे घर जाने के अंदर ध्यान सुनने के अंदर ठीक रहेगा। एक जगह बाबा बताते हैं कि अंत के अंदर ध्यान का आकार पड़ जाएगा, ध्यान का आकार पड़ जाएगा, ज्ञान का भी आकार पड़ेगा, ध्यान का पड़ेगा। और एक जगह बोला कि अंत के अंदर किसकी स्थितियाँ खराब होगी कि मार काट लगेगी, तो ये क्या कानून के हाथ में ही कान आटा देगा क्या बाबा? थोड़ा पाकिस्तान में तो मार्शल्ला हमेशा ही लगता रहा, कोई नई बात नहीं, क्योंकि मुसलमानों का धर्म जो है उसमें कुरान शरीफ में आर्डर ही आर्डर है। कुरान शरीफ जो है वो मिलिट्री शासन सिखाती है, और भारतवर्ष में मार्शल्ला कभी लगा ही नहीं। लेकिन भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, और ये भ्रष्टाचार तब तक सुधर भी नहीं सकता जब तक मार्शल्ला लगे नहीं। तो बाहर की दुनिया में भी मार्शल्ला लगेगा और अंदर की दुनिया में भी रूहानी मिलिट्री का मार्शल्ला लगेगा। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? तो रूहानी मिलिट्री का जो मार्शल है वो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, क्योंकि ऐसे सामान्य रूप से तो नियम कानून को कोई मानते नहीं है। और जो सदगुरु का रूप है वो सख्त रूप है, बाप नाज नखरे सहन कर लेता है, माता भी नाज नखरे सहन कर लेती है, लेकिन गुरु नाज नखरे सहन नहीं करता। मिलिट्री में भी ऐसे ही होता है, जब मिलिट्री शासन लगता है मानो तो मानो नहीं तो हाँ। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सबको तपस्या के अंदर भेजना पड़ेगा, तो गीता पाठशाला में रहेंगे बच्चे की तपस्या करेंगे बाबा जी? तो दिया गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, तो ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला में आगे ये ज्ञान की टाइटाएं कब तक करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? उससे कुछ रिजल्ट निकलता है? नहीं निकल रहा, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। आखिर रिजल्ट फिर भी याद से ही निकलेगा, याद से ही दुनिया को संदेश मिलेगा। योग बल से विश्व की बात कही गई हुई है, तो ऐसे वाइब्रेशन संगठित रूप में जब तक नहीं बनेंगे, परम धाम का वातावरण नहीं बनेगा, तब तक संसार में वो वाइब्रेशन फैलेगा ही।
फिर बाबा जी कहते ध्यान गंगा निकलेगी और काली का पाठ चालू होगा, तो ये ध्यान गंगा है और काली का पाठ दोनों का पाठ एक साथ चलेगा क्या? गंगा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर भारत के लिए गंगा प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत के लिए तो नहीं प्रसिद्ध नहीं है। दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा किस बात के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत का विदेश है, दक्षिण भारत भारत का विदेश है, और जो भी विदेश है वो सब विपरीत देश वाले हैं। माना विपरीत देश वाले, विदेश और विधर्म, विपरीत धर्म वाले और विपरीत देश वाले, उनमें जो पहला पहला है विपरीत धर्म वाला और विपरीत देश वाला वो कौन है? इस्लाम, इस्लाम धर्म। वो संसार में दक्षिण में फैला हुआ है या पूरब में या पश्चिम में या उत्तर में? दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, इसलिए दक्षिण दिशा जो है वो राक्षसों की दिशा मानी जाती है और उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है। उत्तरायण होता है सूर्य और दक्षिणायण सूर्य होता है। कहते हैं भीष्म पितामह ने शरीर तब छोड़ा जब सूर्य उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अंत मत सुगत हो जाएगी। तो महाकाली का पाठ असुरों के लिए होगा या देवात्मों के लिए होगा? असुरों के लिए। तो असुरों का श्रृंगार करेगी ना, और गंगा श्रृंगार नहीं करेगी। पावन गंगा तो पतित पावनी गाई हुई है, और गंगा पतित पावनी बनती तब है जब गंगा ज्ञान सागर से मिलकर के रहती है। ज्ञान सागर से मिलकर नहीं रहती तो जो नदी सागर से मिलकर नहीं रहती वो नदी नहीं होती, वो नाला बन जाती। राम तेरी गंगा मैली। तो गंगा कल्याण करेगी संसार का, तब कल्याण करेगी जब गंगा गंगाधर के साथ मिलकर एक हो जाएगी। उत्तर भारत का कल्याण करेगी माना उत्तरायण का कल्याण करेगी। जो विदेश है विपरीत देश वाले हैं, विपरीत धारणा वाले हैं, वो अपने धर्म को बदलते नहीं है कभी। भारतवासी हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इधर कन्वर्ट हो जाते हैं भगवान बाप के आने पर। दूसरे धर्म वाले जो हैं, इसलिए बाबा ने बोला कि जो कुत्ते की पूंछ है वो 12 साल के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। समर्पण होने के बाद सर के ऊपर भजन चढ़ाना है, सर के ऊपर भजन चढ़ाना है या ईश्वरीय सेवा करनी है? क्या सेवा करेंगे? मंत्र सेवा यहाँ बैठ के नहीं कर सकते फिर? रूहानी मिलिट्री चाहिए, मिलिट्री में अंधे लूले लंगड़े लिए जाते हैं क्या? है? नहीं लिए जाते हैं, तंदुरुस्त लिए जाते हैं। एक तो वृद्धाश्रम बनाना पड़े शिव बाबा को, ढेर सारी गुड़िया इकट्ठी हो जाएंगी। एक विकलांग आश्रम बनाना पड़े,
ढेर सारे विकलांग इकट्ठे हो जाएंगे, उन विकलांग आश्रमों के लिए, वृद्धा आश्रमों के लिए तो भीख मांगते हैं। यहाँ तो क्या है, अपने तन मन धन से अपने लिए विश्व की बादशाही स्थापन करते हैं। क्या तन भी लगाना है, अपना तन भी लगाना, धन भी लगाना, अपना मन भी लगाना, और कन्याओं के पास तो धन तो होता ही नहीं। और अगर विकलांग है तो तन भी नहीं है, तो इसलिए ईश्वरीय सेवा तो विकलांग है तो यहाँ रह करके भी कर सकते हैं, और वहां तो संस्कारों की चक्कर ज्यादा होगी। कहाँ जो सरेंडर्ड वर्ग है उसमें दुनिया की सब तरह की चुनी हुई आत्मा इकट्ठी हो रही है, हर धर्म की चुनी हुई आत्मा इकट्ठी हो रही है, वहाँ संगत जास्ती होगा और यहाँ संगत बाहर की दुनिया फिर भी कम है। ये संसार एक वृक्ष है, वृक्ष में पत्ते ज्यादा होते हैं या टहनियां ज्यादा होती है या तने ज्यादा होते हैं या जड़ें ज्यादा होती है, और पहले कौन होते हैं और बाद में कौन होते हैं? पहले पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते बाद में होते हैं, बढ़ते हैं, पत्तों की संख्या बाद में बढ़ती है, और टहनियों की संख्या पहले होती है लेकिन कम होती है। ऐसे ही जड़ों की संख्या पहले नहीं होती है, बीज की संख्या पहले होती है। तो जो पहले होगा वो लंबा एज वाला होगा, या जो बाद में आएगा वो लंबी एज वाला होगा। तो 84 जन्म लेने वाले कौन होंगे? आधारभूत होंगे। 84 जन्म लेने वालों में संख्या आधारभूतों की ज्यादा होगी या बीज रूपों की ज्यादा होगी? बीजों की ज्यादा संख्या होगी। इसलिए जो नारायण है वो सब एक दूसरे से कम कलाओं वाले हैं। उत्तरोत्तर जो भी नारायण बनेंगे वो कम कलाओं वाले बनेंगे, तो कम जन्म लेने वाले बनेंगे। और जो बीज है वो 84 जन्म लेने वाले तो बनेंगे, लेकिन उनमें अंतर हो जाएगा थोड़ा। कोई याद में आवेंगे और कोई अंत। वो जो सेकंड नारायण होगा, जो सेकंड नारायण होगा वो डायरेक्ट परम धाम से आवेगा या यहाँ से जन्म लेते हुए जाएगा? जब ब्रह्मा की आत्मा जो फर्स्ट आधारभूत है वो ही बाद में आती है, बीज रूप आत्माओं के बाद नंबर लेती है, तो जो उसके बाद वाले होंगे वो कैसे नंबर ले लेंगे? बाबा हर बात हद में भी बोलते हैं और फिर बेहद में भी बोलते हैं। इंदौर का आप क्या बताया? इंदौर डोर के अंदर रहने वाले। तो बेसिक नॉलेज में और एडवांस नॉलेज में कन्याओं के बारे में क्या खास फर्क है? एडवांस की कन्याएं इंदौर है, असली इंदौर वाली है, और बेसिक की कन्याएं आज सरेंडर हुई और कल उनको आउट ऑफ द डोर कर दिया जाता है, माता भी साथ में नहीं दी जाती। ये अंतर है। तो यहाँ की सेवा नहीं करनी, सेवा नहीं करनी, इंदौर के हॉस्टल की हस्ती सेवा नहीं करनी, इंदौर के हॉस्टल की हस्ती की सेवा नहीं करनी।
देहादि की सेवा करना अच्छा होता है या हाथी की सेवा करना अच्छा होता है? उन हद को हद वालों को बेहद का नहीं बनाना है, बेहद का बना दो। माता जी मैंने गलती कर ली है वो आपको पता है? मकान बनाया उन्होंने मकान बनाना तो गलती नहीं है। नहीं, नहीं, जैसे और भी आपने भी बाबा ने बोला कि भट्टी कर दिया, तो वो भट्टी करने के लिए भी तैयार है और आपसे मिलने के वो एक बार भट्टी भी कर चुका है और माफीनामा भी लिख चुका है। फिर बाबा आपसे मिलना चाहते हैं? अभी तो माफीनामा क्यों लिखा? कोई गलती की तो माफीनामा लिखा ना, और उसके बाद फिर उल्टा हो गया। आप अकेले प्रतिपाल के लिए क्यों बोलते हैं? वो दूसरी पार्टी में चला गया उसके ऊपर कृपा कर दो, और जितने चले गए हैं दूसरी पार्टी में सबके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो सभी तो मिलना चाहते हैं। सीहोर में ढेर सारे हैं जो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे? देखो अभी अभी बावन बोला तुम सबके ऊपर कृपा करने वाले हो, कोई एक के ऊपर नहीं। एक के ऊपर इसका मतलब कुछ लगाव है। तो वो क्या था बाबा? वो भी सुनने सुनने मिला ज्ञान है। जो भी ज्ञान है उस ज्ञान में ज्ञान ये कहता है गलती करो तो बाप को बता दो, पोता मिल दे दो। अब कोटा में एक बार दिया जाएगा, दो बार दिया जाएगा, तीन बार दिया जाएगा, कितनी बार दिया जाएगा? एक बार माफ, दो बार माफ, बहुत में बहुत करके तीन बार माफ, फिर माफ ही होता रहेगा। बहुत विचार तो कर रहा है ना बाबा, गलतियां तो हो रही है, फिर भी चल तो रहा है ना? तो चल रही है, तो चलने वालों में फिर वही नंबर है जो इस्लामी बौद्धियों क्रिश्चियंस के बनते रहते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं जो आकर के ब्राह्मण बन गई उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी श्रीमत पर चलने में, या जो सूर्यवंशी आत्माएं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? दूसरे धर्म की आत्माओं को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अपने नंबर को क्लियर कर रहे हैं, अपने पार्ट को, अपने धर्म को क्लियर कर रहे हैं कि हम इस धर्म के हैं। हमसे बार बार भूल हो रही है, हम नहीं सुधर सकते। जब अंदर से बैठ जाता है कि हम नहीं सुधर सकते, हम तो हैं ही इस धर्म के, तो फिर पक्का उसी रास्ते निकल पड़ते हैं। डायरेक्ट मांडावू भी है या बृहद का मांडावू जो तपस्या भूमि लाल वाली जो बनेगी वो कंपिल भी बनेगी? बाबा ये एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। उसका नाम मिनी मधुबन है या महामधुबन है? मिनी मधुबन है, महामधुवन तो नहीं है। मिनी मधुवन माने थोड़ी आत्माओं का मधुवन। तो जो मिनी मधुवन है उसमें जो स्टेज बनी हुई होगी बच्चों की वो मिनिमाइज होगी या मैक्सिमाइज होगी? मिनिमाइज का मतलब है चाहे जहां भी रहो, एक बार कोर्स करके चले जाओ, भले बिलायत चले जाओ, कभी लौट के ना हो, इसलिए सेवा करते रहो, पद ऊंचा बन जाओगे भट्टी करने के बाद।
तो तपस्या का धाम माउंट आबू जो बाबा एक बाबा एक है बुद्धियों का ठिकाना और एक होता है शरीर के साथ शरीर के साथ मन बुद्धि तो वो शरीर के साथ का ठिकाना क्या माउंट आबू बनेगा बनेगा और बाबा ने ये क्लियर कहा कि जितना माउंट आबू ऊपर उतना ही नीचे गिर रहा है तो भूकंप और इसका कोई भी उसके ऊपर असर नहीं होगा और ये कपिल जो है ये समतल जगह है तो इससे प्रभाव क्या है एक स्थूल बात होती है एक सूक्ष्म बात होती है वो ग्रेनाइट पत्थर है वो ग्रेनाइट माउंट आबू में ग्रेनाइट पत्थर सबसे मजबूत पत्थर होता है ग्रेनाइट कंपिल के इलाके की जो ईंटें हैं वो भी पत्थर जैसी हैं ईंटें माने मनुष्य आत्मा मनुष्य आत्मा क्या जैसे पत्थर को अगर टकरा दे तो टूटता नहीं ऐसे ही वहां की ईंटें भी टूटने वाली नहीं है एक बार पक्की हो गई तो पक गई तो पक गई माउंट आबू में जो ग्रेनाइट है वो पूरा पहाड़ का पहाड़ एक ही पत्थर है एक पत्थर है का मतलब टुकड़े टुकड़े अलग अलग नहीं है अलग अलग किस्म का नहीं है एक ही है एक ही टुकड़ा है हाँ जी इसलिए ये जो रुद्रमाला बनती है वो एक धागे में पिरोई हुई और ये इतनी सख्त आत्माएं हैं कि दुनिया टूट जाएगी लेकिन ये टूटने वाले नहीं है धाम से फिर आपको वापस फील्ड में भेजेंगे इसके बाद वो उनको भेजेंगे जिनकी इच्छा होगी इच्छा मात्र विद्या नहीं बने होंगे उनको वापस सेवा में आना पड़ेगा और हो जाएगी उनको ट्रांसफर हो जाएगी विजयवाला में ऐड होंगे या नहीं होंगे तो कौन होंगे वो कौन से रुद्रमाला के बच्चे होंगे जो विजयवाला में ऐड होते जाएंगे कैसी सूक्ष्म इच्छा मात्र अभी क्या पाना था तो पा लिया वो भी धर्मी आत्मा सुधर्मी आत्मा सुधर्मी आत्मा में भी नंबर लाख जब अष्ट देवों में भी नंबरवार हैं जो असल सूर्यवंशी है उनमें कोई सूर्यवंश का पक्का कोई चंद्रवंश में जाके गिरता है कोई इस्लाम वंश में जाके आखिरी जन्म में गिरता है कोई आखिरी जन्म में बौद्ध धर्म में गिरता है तो उनमें भी नंबरवार हो गए तो औरों में नंबरवार क्यों नहीं होंगे बोल रहे थे आग रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी ये क्या बड़ी बात है भीड़ ज्यादा लगेगी वो कौन लोग हैं जो भीड़ के अंदर शामिल होंगे बाप के बच्चे रुद्रमाला के बच्चे विजयमाला के बच्चे की बाप के वारसदार भी बच्चे हैं और बाप के भक्त बच्चे भी हैं कौन से बाप के शिव ज्योति बिंदु की या साकार साकार के लिए है कि उसके वारसदार बच्चे भी हैं और भक्त बच्चे भी हैं और बाप की प्रजा भी है लाइन में लगना वाला कौन है तो जो जो नीचे से लेके ऊपर तक लगातार जाएंगे तो भक्तों की भीड़ नहीं लगेगी भक्तों की संख्या ज्यादा होती है या प्रजा की संख्या ज्यादा होती है या बारिशदारों की संख्या ज्यादा होती है बारिशदार तो जो 16,108 है वो भी तो प्रिंसेस बनते हैं सभी धर्मों की आत्माएं हैं धर्मों की आत्माएं हैं लेकिन है तो वारसदार तो वारिसदार तो वो मतलब सत्यु के 8 जन्म के वारिसदार स्टार्टिंग के कौन वारिसदार भले 8 जन्म के वारसदार हैं लेकिन वारसदार तो बनेंगे
बाप से ही तो वर्षा लिया है इस जन्म में। आप बाद में सच पूछिए, इधर माता पूछ रही है बहन जी है माता जी है पार्टी जाए उस पार्टी के साथ जाओ फिर वहाँ बताओ जाके शादी शुदा है उनको डाइवोर्स लेटर चाहिए और जो जुगल रूप में चल रहे हैं लेकिन कारण या कारण दोनों आपस में नहीं बनती है तो पति का परमिशन लेटर चाहिए। कन्या है नाबालिग है तो माँ बाप का परमिशन लेटर चाहिए। बीमार बीमार है तो पहले बीमारी ठीक करो उसके बाद सरेंडर हो जाओ। पापा ने बोली थी आज के बाद मनाना है, पापा ने बोला था कि ये आज तो मनाना पड़ेगा कुछ भी आश्रम और बीमार ना। अरे बाबा को तो सब दक्षिण भारत से माताएं मिल रही है, वो बोलना भी नहीं जानती है तो उनसे काम चलाया जा रहा है। हिंदी जानने वाली माताएं मिलेंगी थी तो और अच्छा ही है। नहीं जा सकती बांधेली माताएं आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है ना, आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है ना, उनकी मन बुद्धि कपिल में ही डरी रहती है तो उनकी लगातार की बच्ची हो गई या थोड़े दिन की बच्ची है? उनकी तो लगातार बच्ची है, उनके तो पाप कर्म बहुत जल्दी जल्दी भस्म हो रहे हैं। हाँ जो भी हो होगा जब 63 जन्मों के कर्म जो किए हुए हैं उनकी रील पूरी हो जाएगी। 63 जन्म में कर्म किए कि नहीं उनका हिसाब किताब, जिनके साथ कर्म बंधन बांधा है वो आत्माएं हिसाब किताब लेने नहीं आएंगी। तो हिसाब किताब जब पूरे हो जाएंगे तो परमा जी से स्टेज हो जाएगी। सहयोगी बनना चाहिए, सहयोगी में कैसे बनना चाहिए? अरे तन है सहयोग देने के लिए, धन है सहयोग देने के लिए, मन है सहयोग देने के लिए, समय है सहयोग देने के लिए, संबंधी है सहयोग देने के लिए, संपर्क में आई हुई आत्माएं है सहयोग देने के लिए। कहीं से भी कहीं भी रह करके सहयोग दे सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? आप सहयोगी भुजाओं की बात कर रहे हैं कि 108 में यही कह रहे हैं क्वालिफिकेशन है 8 की तो ये है कि वो नष्ट हुआ होंगे शुरू से ही। 108 की विशेषता ये है कि नष्ट हुआ होंगे तो नंबर वार, लेकिन वो पुरुषार्थ में हाँ जो और आगे 16,000 वाले हैं उनके मुकाबले बहुत तीखे होंगे। जो बालने की माता है उनका क्या करना है? बांधे की माताओं का क्या करना है? सब्जी अच्छी बनानी है क्या? जो भाई घर में बनी हुई है वो आना चाहती है तो उनका बाबा तो कहते हैं मिलना चाहती है। पहले तो रेगुलर क्लास करें, रेगुलर क्लास करेंगी 1-2 साल तो बाबा समझ आवेंगे कि ये तो पक्का निश्चय बुद्धि है तो मिलने की परमिशन भी दे देंगे। रेगुलर क्लास करेंगे तो परमिशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है।
विद्युत शक्ति का पाठ है, विद्युत शक्ति 2002 में चालू हो जाएगा पाठ। 2009 क्यों? दौर के अंदर जो नर्मदा आना है वो 2002 में ही आना है, ऐसा कुछ है कि संबंध? नर्मदा आना है, नर्मदा लाइन आ रही है, एक बात को बार बार पूछना माना जो सीढ़ी है उसको सुनते नहीं है ध्यान से, रिसेंट सीढ़ी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तीसरी मूर्ति कब आवेगी आपका जवाब कितनी बार दिया गया, तो फिर बार बार वही प्रश्न क्यों पूछते? इसका मतलब है कि सीढ़ियाँ नहीं सुन रहे हैं, रिसेंट सीढ़ियाँ सुननी चाहिए। बोला गया ज्ञान सूर्य 2007 में बहुत अधिक छपेगा, दुनिया में एटमिक एनर्जी बनती जा रही है या नहीं बनती जा रही? तो उसके विस्फोट और उसके जो क्या कहते हैं कोई भी एनर्जी तैयार होती है तो उसको विस्तृत करके देखा जाता है ना, परीक्षण करते हैं ना, तो परीक्षण भी बढ़ते जा रहे हैं कि गर्मी बढ़ेगी या घटेगी। ज्ञान में उसका क्या रीजन? ज्ञान में रीजन क्यों? ज्ञान में रीजन नहीं होगा? जो यूरेनियम है जिससे ये बनता है, ये यूरिया ये संसार का नुकसान कर रही है या फायदा कर रही है? नुकसान कर रही है। ये घातक शक्ति बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? इसलिए लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक अन्न खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती से उपजाया हुआ जिसमें यूरिया का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। अभी तो ये एटम बम ध्वंस होना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके शहर नेस्त नाबूद होते जाएंगे, जैसे हिरोशिमा नागासाकी की शुरुआत में हुए। जैसे जैसे स्थापना होती जाएगी वैसे वैसे शुरुआत होती जाएगी। भारत में ग्रह युद्ध पड़ेगा तो क्या उसके आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? भारत में जितना स्टेट में है राज्यवाद है उतना झगड़ा और कहीं है देशों में? राज्यवाद का जितनी भाषाएं भारत में है उतनी भाषाएं और किसी देश में है? और उन भाषाओं को लेकर के झगड़ा और किसी देश में है? भारत में जितनी जातियां और जातियों का विद्वेष फैला हुआ है वो जातिवाद इतना कहीं और धर्म में और देश में है? नहीं है ना। और भारत में जितनी बेकारी बढ़ रही है उतनी बेकारी और भी कहीं बढ़ रही है? जो यूरिया के स्थान पे आपके नालों की सिंचाई चल रही है, जो नाले हैं गंदे उसमें उस पानी सिंचाई हो रही है उसमें केमिकल्स वगैरह भी चली जाती है, जो भोजन है अन्न है रक्षा वगैरह है तो सभी उसको यूरिया से बेकार में बैठी ठीक है। मना कौन कर रहा है? नहीं तो वही खाना पड़ता, तो अब आदमी क्या नहीं कर सकता है? पुरुषार्थ करे तो सब कुछ कर सकता है ना। जब विश्व की बादशाही ले सकते हैं तो ऑर्गेनिक खेती आप नहीं कर सकते? अरे दुकान खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। बाबा के तो गरीब बच्चे हैं प्रॉपर्टी बनाने को मना किया है। गरीब बच्चे जो है वो विश्व की बादशाही नहीं ले सकते अपने तन मन धन लगा के, प्रॉपर्टी खरीदने को मना करा खेती करना। अरे प्रॉपर्टी खरीदने को मना किया है, बैंक बैलेंस खत्म करने के लिए तो नहीं कह दिया? बैंक बैलेंस ही कहाँ है? जितना भी है जिसके पास 1 करोड़ है वो 1 करोड़ लगाएगा, जिसके पास 10 रुपया है वो 10 रुपया लगाएगा, दोनों का बाकी तो एक ही जैसा बन जाएगा।
ये थोड़ा ही कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है। दादा के यहाँ फिर खेती की व्यवस्था होना है, इसका मतलब सही होगा दादा के घर पे खेती की व्यवस्था बड़ी विशेष होना है, बच्चों के लिए जो व्यवस्था होगी वो बाबा की खेत के लिए होगी। करोगे तो अपने लिए करोगे, बुद्धि अगर सुधारनी है तो उसके लिए व्यवस्था करनी है। यूरिया का बना हुआ अन्न खाना है तो बुद्धि भ्रष्ट होगी है? फिर वो मतलब पतित हो गई, तो वो आत्मा ही फिर से राजा बनेगी। और फिर से वही राजा बनेगी, जो विष्णु का बादशाह था वो विष्णु का बादशाह बनेगा। तो बाबा और कोई आज तो मना कौन करता है, करो। ये मना किसने किया कि न करे, फिर वो पहले वाली कहाँ जाएगी, फिर ज्यादा राजा नहीं हो जाएगी, ज्यादा राजा ही हो जाएगी। अभी क्या रिजल्ट निकल गया है? मालूम तो नहीं है ना, जब नहीं मालूम है तब तक पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पुरुषार्थ करते जाओ, जितने राजा बने वही बने। पुरुषार्थ को आगे रखना है या ड्रामा को आगे रखना है? पुरुष आत्मा चैतन्य है या ड्रामा चैतन्य है? आत्मा चैतन्य, चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़ ड्रामा में ज्यादा, समय में ज्यादा ताकत होती है? समय अर्थात काल, काल चक्र जड़ है, काल चक्र घूमता कब है? काल चक्र को भी परिवर्तन करने के निमित्त कौन बनता है, चैतन्य या जड़? चैतन्य आत्मा। तो ड्रामा में क्या है, जो होगा तो देखा जाएगा। ये बात सिर्फ कहने की है, रोटी खाने के लिए कोई नहीं कहता है कि ड्रामा में होगा तो रोटी खा लेंगे, फटाफट रसोई घर में पहुंच जाएंगे। आत्माएं तो जो भी है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, जन्म होगा तो शरीर धारण करना पड़ेगा ना, तभी तो जन्म होगा। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो शरीर धारण न करे, कम से कम एक जन्म के लिए तो सबको करना है। अंतिम जन्म में सबको, भक्ति मार्ग में कह दिया है कि आत्मा को मोक्ष हो जाएगा, सदा काल की मुक्ति हो जाएगी, भगवान को इस शक्ति पर हमेशा के लिए बांध दिया कि भगवान कल्प कल्प में आकर के अवतार लेते हैं, और आत्माओं के लिए ये कहते हैं कि सदा काल का मोक्ष हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि भगवान इस ड्रामा में बंद करके रहे और आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? ना आत्माएं इस ड्रामा से मुक्त हो सकती और ना भगवान मुक्त हो सकता। आना और जाना, जो जहां से आता है उसको वहां वापस जरूर जाना पड़ता है। अणु अणु का साइकिल बना हुआ है, क्या ये माउंट आबू का जो ग्रेनाइट पहाड़ है, इसमें जो अणु अणु से मिलकर के पत्थर बना है इतना बड़ा पहाड़, वो भी लास्ट विनाश होगा तो वो भी मलिदा बनकर के समा जाएगा। पहाड़ कब बनते हैं? जब ज्वालामुखी फटता है उसमें से लवादा निकलता है।
बाबा जो बच्चे रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? बच्चे जो हैं बाबा के बच्चे वो परमधाम में ही पड़े रहते हैं या नई दुनिया में आते हैं? नई दुनिया में आते हैं ना, तो भूल क्यों गया? नई दुनिया में आना क्यों भूल गया? जैसे बोला गया कि कुछ कराते हैं, उसको बोला गया कि ये ठीक है बस निकल के जाएंगे और वो जैसा कृष्ण नारायण कृष्ण धर्म करते जाएंगे लावा अलग चीज है, बर्फ अलग चीज है। जो पत्थरों का लावा बन जाता है वो तो आग का गोला बन जाता है, आग है, जबरदस्त आग है। और जो बर्फ है वो तो लो डिग्री की है। बर्फ में दबना शरीर का अलग बात, और लावा के अंदर तो शरीर का पता ही नहीं चलेगा अनुभव का। हाँ जी, वो कैसे होगा? कैसे होगा ये क्यों क्या कैसे की क्यों क्यों लगी रहती है? जैसे तो क्लियर था कि बाबा ने बोला है कि ये की बात करते निकलेंगे, अभी अभी जैसे आपने बोला उसके हिसाब से बोला क्या जो पाँच सात रोज का अंदर का जो विनाश होना है, जब सारे ही एटम बम फट पड़ेंगे इकट्ठे, एक एक शहर का विनाश होता है वो तो थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन जब सारे जैसे दिवाली करते हैं ना तो बच्चे फटाके छुड़ाते हैं, तो एक छुड़ाया, दो छुड़ाया, आठ छुड़ाए, दस छुड़ाए, पंद्रह छुड़ाए, बीस छुड़ाए, सौ दो सौ छुड़ाए, आखिर क्या करते हैं सारा सारा इकट्ठा कर देते हैं, आग लगा देते। तो ऐसे ही जब पाँच सात रोज के अंदर आखिरी विनाश होगा तो सब खलास हो जाएगा। तो उस समय में जो ज्ञानी के बच्चे रहेंगे बाबा के साथ, वो फिर कहीं सेट हो जाएंगे? जरूर, उनके लिए स्थान चाहिए कि नहीं? स्थान कहाँ है? अरे भूल गए, वो जमुना का कंठा भूल गए। इसका मतलब अभी स्मृति आई नहीं है। जमुना के कंठे में दक्षिण आ जाए इस साल। पावन कहा बाबा जी ने कहा कि 700 करोड़ अपना पावन बने, तो पावन बनेगी तो पावन बनने का भाव आवा क्या कि जब फिर गृहयुद्ध ये होगा तो ये क्या पावन आत्माएं लड़ेगी आपस में? आत्माएं लड़ेंगी मतलब शरीर आत्मा मनुष्य लड़ेंगे क्या? 500-700 करोड़ आत्माएं पावन बनकर परमधाम जाएंगी, तो वो कैसे तो पावन बनेगी? बड़े बड़े भूकंप आवेंगे और ये बिल्डिंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगे गिरेंगी तो मनुष्य दबेंगे कि नहीं दबेंगे? किसी की टांग दब गई, किसी का हाथ दब गया, किसी की कमर दब गई, तो चिल्लाते रहेंगे ना, तो चिल्ला चिल्ला के कौन बनेगा? वो पाएंगे कि नहीं? सजा खाएंगे कि नहीं? उन्हें बचाने वाला कोई होगा? कोई नहीं होगा, कोई बचाना बचाने वाला नहीं होगा। तो हाय हाय करके प्राण त्यागे कि नहीं? सजा खा खा के पावन बनेगी ना। तो बच्चे बने ना, चच्चे क्यों बन रहे? जैसे बोला जैसे ममता तपस्या करते हैं, फिर वो राजा ही मिलती एक बार को, फिर वो कैसे कैसे वो एक उम्र बैठे माउंट आबू में ही प्रैक्टिकल शूटिंग चलती है तपस्या? जहाँ दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है वहीं तपस्या की शूटिंग चलती है, और तक्कर राज राजकर नरक नरक की भी वहीं चलती है। और दुनिया में नरक नहीं है ना, जब इच्छा होगी तो आना पड़ेगा। और बाबा जैसे 2018 में बताया कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उसमें 16,000 ये आत्मा रहेंगे कि 16,000 कृष्ण का जो वैकुंठ शुरू होगा वो बड़े हुजूम से शुरू हो जाएगा या थोड़ी आत्माएं होंगी? थोड़ी आत्मा। कोई पौधा बनता है तो पौधे में पहले थोड़े पत्ते होते हैं कि इकट्ठे पत्ते?
पत्ते आ जाते हैं, तो ये प्रश्न तो क्यों कर रहे हैं? कंफर्म करना चाह रहा हूँ 2018 तक माला बनेगी, मणके ऐड किए जाएंगे रुद्रमाला के, तो इकट्ठे ऐड कर दिए जाएंगे या एक एक करके ऐड होते जाएंगे? मैं 16108 अरे 16108 में दूसरे दूसरे वंश की आत्माएं भी है या सब सूर्य वंश भी है? सभी धर्म वाले इकट्ठे कैसे आ जाएंगे? जो कमजोर कमजोर धर्म वाले हैं वो बाद में आवेंगे या पहले आवेंगे? बाद में आवेंगे। भगवान बोला उनको पीछे नंबर बाय नंबर चलते जाओगे। हाँ जी, तो बाबा ने अभी एक प्रश्न कहा कि ये दीदी और दादियों का जो श्रृंगार है वो जो मर्तबा है उससे कहीं हजार गुना श्रीवान की जगदम्बा का और इनका मर्तबा रहेगा? बीजरू पाठ में एडवांस में नहीं जाएंगी? जो बीजरू पाठ में है और जो आधारभूत आत्माएं हैं उनमें ज्यादा पावरफुल कौन है? बीज में ज्यादा पावरफुल है, तो जो बीज है वो एडवांस में ऊंचे भी जाते हैं और एडवांस में नीचे भी जाते हैं। एडवांस में उनकी चढ़ती कला भी एडवांस है, तो उनकी उतरती कला भी एडवांस है। जैसे बीकेएस की चढ़ती कला भी थी लेकिन बेसिकली थी, अभी उतरती कला भी उनकी बेसिकली है। उनकी उतरती कला एडवांस नहीं कहेंगे? नहीं समझ में आया? राम और कृष्ण वाली दो आत्माएं हैं, कृष्ण वाली आत्मा आधार मूर्त है और राम वाली आत्मा बीज रूप है। कीड़ी उतरते उतरते नीचे दोनों का क्या हाल होता है? राम वाली आत्मा पड़ी हुई है कांटों की सैया पर, कांटों की सैया, और कृष्ण वाली आत्मा फिर भी पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। तो वो गिरती कला में भी आगे और चढ़ती कला में भी आगे, कौन? बीज रूप आत्मा। और कृष्ण की आधार मूर्त आत्मा चढ़ती कला में भी पीछे राम वाली आत्मा के मुकाबले, और गिरती कला में भी पीछे। उतना नहीं गिरेगा। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई, क्रिश्चियंस न ज्यादा सुख भोगते हैं न ज्यादा दुख भोगते हैं, तो कृष्ण की आत्मा भी न ज्यादा सुख भोगती है और न ज्यादा दुख भोगती है, न ज्यादा पतित बनती है न ज्यादा पावन बनती है। ये दुनिया में स्थूल मर्तबा बढ़ेगा निर्वाण की आत्मा होगा, स्थूल मर्तबा जो पूरा विश्व देखेगा। अभी बीकेज वालों का, अभी बीकेज वालों का जो मर्तबा बढ़ रहा है वो गिरती कला हो रही है या चढ़ती कला हो रही है? अच्छा होगा तो वही एडवांस का पूरा विश्व पहचाने का और मर्तबा उनका एडवांस का बढ़ेगा। सुने की उसे मर्तबा बढ़ा हुआ कहा जाएगा या गिरती कला का मर्तबा कहा जाएगा? जितना दिखावे में आते जाएंगे उतने गिरती कला, और जितना गुप्त उतना ऊंची कला, चढ़ती कला। अभी ब्रह्मा कुमारियों की गिरती कला में प्रत्यक्षता हो रही है या चढ़ती कला में प्रत्यक्षता हो रही है? गिरती कला में हो रही है। ऐसे ही जो बीज रूप आत्माएं होंगी उनमें देवियों की पूजा और ज्यादा जोर से होगी, जितनी ब्रह्मा कुमारियों की हो रही है उससे ज्यादा होगी या कम होगी? ये तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां जिनके टाइटल मिल गए हैं, जब क्या नाम वर्ल्ड मदर का टाइटल मिल गया अखबार में, तो वो असली जगदम्बा है या डुप्लीकेट है? तो डुप्लीकेट का मर्तबा भी डुप्लीकेट, और जो असली जगदम्बा होगी उसका मर्तबा भी असली होगा, ज्यादा चढ़ती कला वाला होगा। लेकिन वो चढ़ती कला दुनिया की नजरों में प्रत्यक्षता में आएगी, तो वो प्रत्यक्षता जो जिसमें पंप एंड शो ज्यादा है
वो उतरती कला है वास्तव में या चढ़ती कला है? वास्तव में वो उतरती कला है। अगर उतरती कला ना हो तो देवियों का प्रभाव बढ़ते 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 संसार में वो देवियां ही भगवान के रूप में पूजी जानी चाहिए ना, भक्ति मार्ग में। वो फिर डूबी जा क्यों हो जाती है? अरे बेसिक में जिनको जिनको एडवांस मिलता जा रहा है उनके दिल के अंदर डिबीजा डुबीजा हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो ऐसे ही वहां भी ऐसे ही एडवांस में भी होना, एडवांस में भी ऐसे ही होना। दुनिया पाम पेंट शो के ऊपर गिरती है। जो बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं वो पाम पेंट शो के ऊपर नहीं गिरते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का घर परिवार जैसे गीता पाठशाला वाला का तुम बच्चों का दुनिया बहुत सम्मान करेगी, इस टाइप से बाबा ने कहा कि दुनिया मतलब तुम्हारा प्रभाव पूरा परिवार देखेगा, पूरा समाज देखेगा, ये देखेगा। तो वो क्या ये बोला है? युगलों की बहुत महिमा होगी। हाँ महिमा होगी ये बोला। हाँ जो लक्ष्मी नारायण बन करके अपने घर परिवार को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे प्रैक्टिकल में, उनकी प्रत्यक्षता होगी। उनके लिए बोला है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसा ही बोला कि तुम बच्चों के सामने वो दिन भी आएंगे, करोड़ों लोग तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, मगर तुम लोग उसको मानवा नहीं देंगे। पूछा सच्चे और झूठे की पहचान कैसे होगी? करोड़ आया तो करोड़ ले लिया। अभी चोर तो लगता चोर। अभी जो अपने ज्ञान में एडवांस ज्ञान में मृत भाई है वो कुछ रोगियों के लिए एक आश्रम खोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसमें घर वाले वो शांति का ज्ञान देंगे, पहले उनकी नीति को लगाएंगे, उसके बाद में सभी आत्माओं को एडवांस ज्ञान देंगे। तो ये सही है क्या? सही है क्या? जो दुनियावी वो क्या नाम हॉस्पिटल है वो मुरली में खोलने के लिए कहीं बोला है कि जिस्मानी हॉस्पिटल खोलो? आधा कल से 2,500 साल से जिस्मानी हॉस्पिटल खुलते चले आए, दुनिया का कल्याण हुआ क्या? उन्होंने ऐसा रखा कि जैसे इधर उधर से चंदा करेंगे और स्वामी नरेंद्र सरस्वती नाम से प्रसिद्ध। चंदा भक्ति मार्ग में मांगा जाता है या ज्ञान मार्ग में चंदा मांगा जाता है? भक्ति मार्ग में। मांगना करना ये भक्तों का काम है या ज्ञानियों का काम है? भक्तों का काम है। एडवांस में जो विधर्मी आत्मा है वो पहले अपने विरुद्ध से नीचे आ जाती है। माया बेगन डालती रहेगी, बाबा जी चलती रहेगी। तो बाबा अभी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आत्माएं बढ़ने का मैं बना रहा हूँ। अरे माउंट आबू में बिल्डिंग किस लिए बनाई जाती है? बच्चे आएंगे तो कहाँ रहेंगे? बाबा जी कहा कि बिल्डिंग नहीं बनाना है। वो पर्सनल बोला है या समूह के लिए बोला है? ये कोई पर्सनल बन रही है क्या? तो वो मतलब क्या आत्माएं बढ़ेगी और उसके लिए बोला है बिल्डिंग बनाकर बच्ची बढ़ेगी मधुबन में, बस्ती में आने वालों की संख्या बढ़ेगी तो मकान नहीं पड़ेगा? अभी डायमंड हॉल भी छोटा पड़ गया है। डायमंड हॉल भी छोटा पड़ गया। हाँ जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। हाँ जी घंटे घर में रहते हैं लोग, छिपके आना पड़ते नहीं जैसे अभी हैं तो झूठ बोल के आए। बाबा कहते युक्ति को झूठ थोड़ा ही कहा जाता है, है? गाय जा रही है इस तरफ तो तुमने बता दिया गाय इधर नहीं गई इधर गई तो झूठ है क्या? कल्याण अर्थ जो बोला गया है तो उसे झूठ नहीं कहा जाता। हाँ तो 2018 में किसी किसी का जन्म होगा तो उसके नाम का होगा उसके बाद
बता दिया ना, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। कृष्ण जो है वो थोड़े लोगों के बीच में जन्म लेगा या हजारों लोगों के बीच में जन्म लेगा? परिवार पहले छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। तो जितनी स्थापना उतना उतना भी ना। अब हम कहा कि अंत में एक ही ट्रेन चलेगी तो वो सच्चा भाव लॉस है। ट्रेन में एक तो में ट्रेन ही वही चीज है चलेगी भाव लॉस है। और क्या अंत में बाबा का बुलाव आया, वो ट्रेन एक ही चलेगी उसमें जो बैठ गए थे जी के बाकी 47 में एक ही ट्रेन चली थी कि ढेर चली थी? जिनको निकलना था वो निकल गए, बाद में जो दूसरी दूसरी ट्रेन से गए वो सब काट डाले गए। ऐसे ही होगा। ट्रेन होगा वो तो 4.5 लाख होने के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए ना। अरे क्या एक ही जगह से जाएगी क्या? बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं, बहुत सारी है। बच्चे की हवा हो जाती है। हाँ जी,